कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको मार्केट का व्यू आप लोगों को यहां पर कोशिश करेंगे, मार्केट का व्यू बाजारों में किस तरीके से, लोकल बाजारों में कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही, अमेरिकी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे। तो KLC अगर देखा जाए तो KLC में स्थिरता बाजारों में देखी जा रही है। 15 से 30 मई की तरफ भारत की तरफ में आप देखेंगे, कुछ KLC में आपको 15 से 30 मई के बीच बाजारों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। सोया सनफ्लावर ऑयल के भाव में अंतर कम होने के कारण पाम ऑयल में लगातार आप देख रहे हैं, यहां से आपको कुछ हल्की सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। सीबॉट में आप देखेंगे, सीबॉट पर सोयाबीन के भाव में लगभग अगर देखा जाए तो गुरुवार को 3% की तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। अमेरिका में खेती में सोइंग के लिए विपरीत मौसम, अर्जेंटीना में नए हड़ताल की चिंता भी, इस वजह से हल्की सी बाजारों में आपको तेजी देखने को मिली है। ब्राजील की अगर बात करें, राज्यों में जहां 34% सोया की फसलों की कटाई बाकी है, वहां पर बाढ़ आई है और बारिश का भी पूर्वानुमान है, तो उसका इंपैक्ट भी आपको खाद तेल बाजारों में आपको सोयाबीन के मार्केट पर देखने के लिए मिल सकता है। यूरोप की अगर बात करें तो सनफ्लावर सीड ऑयल में स्टॉक की कमी होने से, क्रशिंग धीमी होने के कारण की चर्चा से गुरुवार को सनफ्लावर FOB में आपको हल्की सी बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अर्जेंटीना की अगर सोया तेल की FOB की बात करी जाए तो गुरुवार में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई, क्योंकि सीबॉट पर कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बेसल्स इसके आप देखेंगे कि वहां पर भी भारी हल्की सी नरमी देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से लोकल बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश आप लोगों को करते हैं। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में अगर हम देखें तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपये से 94 रुपये के आसपास ही लोकल बाजारों में मंडियों के भाव है। अगर 910 रुपये की आप देखेंगे MP लाइन में बाजारों में कामकाज हो रहा है। पामोलिन का बाजार आप देख के चल सकते हैं, पामोलिन का बाजार जो है 93 से 92 रुपीस के आसपास कामकाज हो रहा है। राइस ब्रान 81 से 82 रुपये, हर जगह अलग अलग प्लांटों के अलग अलग भाव रहते हैं। मस्टर्ड ऑयल आप देख रहे हैं 102 रुपये के आसपास ही बिल्कुल चपका हुआ है, वहां से कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड का बाजार 4575 से 4600 रुपये की रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जानकारी आपको लोकल बाजारों की रही। लोकल बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में पोर्ट पे माल होने के कारण और बाजारों में जो गिरावट आई है उसका असर बाजारों में देखने को मिला। बिक्री बिल्कुल भी डल हो गई है, बिक्री प्रॉपर रूप से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण 9:45 पर, अगर आप सुबह बाजार खुलने से पहले सोमवार शुक्रवार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट आप वहां जाइए और स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में अपनी रणनीति, खाद तेल बाजारों में किस तरीके से सोया ऑयल, पामोलिन, सरसों में रणनीति अपनाएं, किस तरीके से गेहूं बाजार में, शुगर बाजारों में क्या स्थिति अपनाएं, साथ ही साथ गेहूं के बाजारों में क्या स्थिति अपनाएं, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी जाती है। तो आपको भी अगर जुड़ना है तो क्यों फिर देरी किस बात की है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जाइए वहां पर तुरंत जाके संपर्क करिए और वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़िए। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर देखेंगे तो नरमी देखी गई, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 873 रुपये, फॉरवर्ड में 858 रुपये, पामोलिन का बाजार 895 रुपये, सोया रिफाइंड की अगर बात करें तो 895 रुपये, सोया डिगम 820 रुपये, फॉरवर्ड में 815 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कल KLC में बढ़त देखी गई थी, सीबॉट का बाजार जबकि फ्लैट ही बंद हुआ है। सीबॉट के बाजारों में कोई विशेष उठापटक बाजारों में नहीं देखी गई। आज KLC जो सुबह खुली है -26 रिंगिट खुली है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा KLC सस्टेन नहीं करेगी, फिर बाजारों में रिकवरी आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। तो ये आपको बता दिया। आप सरसों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सरसों में अगर देखेंगे मार्च में अप्रैल में किसानों ने नाफेड हैपेड में लगभग 14 लाख टन सरसों बेची है। 2 महीनों में किसानों ने लगभग 41 लाख टन सरसों बेच चुके हैं, यह अभी तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। इसमें 2022 सीजन की जब सरसों की रिफाइनिंग बहुत तेजी से हो रही थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। मार्च में रिकॉर्ड में 13 लाख टन क्रशिंग के बाद अप्रैल में क्रशिंग घटके 9 लाख टन रह गई है। मार्च में क्रश बढ़ने की वजह से मार्केट पे तेजी थी, तब सभी लिवाल बने हुए थे। इस साल मार्च में अप्रैल के पिछले साल के बराबर है, मगर 2 साल से अगर देखा जाए तो पहले की क्रशिंग के हिसाब से बहुत कम बाजारों में देखा जा रहा है।
अब थोड़ी चर्चा कार्टन के वॉश के बारे में कर लेते हैं। कार्टन वॉश में, कार्टन आयल में क्या स्थिति है? तो कार्टन आयल में इस सीजन में सितंबर में अप्रैल में कार्टन वॉश का आयल का उत्पादन 4 साल में सबसे कम होता हुआ दिखाई दिया। अक्टूबर से अप्रैल में उत्पादन लगभग 5.67 लाख टन के आसपास हुआ, जो पिछले सीजन में लगभग 7.5 लाख टन था। कार्टन की आवक अब जल्द खत्म होने वाली है, इस कारण अगले महीनों में उत्पादन में कमी आएगा। कार्टन वॉश उत्पादन में पूरे 12 महीने चलता है, मगर इस सीजन में मिल्स जल्दी बंद हो जाती है। तो कार्टन में फिलहाल आप स्टेबिलिटी देख के बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। कार्टन के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। सरसों के फैक्ट की अगर बात करेंगे तो मार्च में सरसों में किसानों में पिछले 5 साल के एवरेज में 30.5 लाख टन 35% ज़्यादा रही है। मार्च अप्रैल में 22 लाख टन कृषि पिछले साल में 4 साल के एवरेज से भी ज़्यादा देखी जा रही है। तो ये जो कुछ सरसों की खबरें थी वो भी हमने आपको इसमें इंक्लूड करके बताने की कोशिश करी है कि सरसों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। बाकी एक्सक्लूसिव वीडियो कहाँ पर सरसों में खरीदारी करनी है, कहाँ पर सोयाबीन में सरसों, सोयाबीन, सोया तेल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, अगर आप भी इसके लिए परेशान हैं कि कहाँ पर हम खरीदारी करें, उसकी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, जाके डिटेल लीजिए और जाके हमारा मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करना ना भूलिए। तो आपको वहाँ पर प्रॉपर रणनीति आपको दी जाती है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, मार्केट की पूरी जानकारी वहाँ पर देने की कोशिश करी जाती है। और जैसा कि आपको बता देते हैं, आपको अगर आप हमको YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, कहीं पर भी अगर देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप लोगों को फ्री में इसी तरीके से मिलता रहेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इसकी मैं किस तरीके से रणनीति अपनाएं, तो सोया ऑयल के सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे 94 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये। पामोलिन की सपोर्ट की बात करें तो 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 80 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 52 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। तो ये मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं, आटा, मैदा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आप अगर शुगर की बात करें, शुगर में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दालों में आप बाजारों में तेजी है, दालों में कहां पर रणनीति अपनानी है, दालों में क्या उड़द का बाजार तेज होगा, क्या किस तरीके से चने में रणनीति अपनाएं, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन में जुड़ना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी अगर आपको जाननी है तो एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, अभी जाइए, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके उसको डाउनलोड करिए ताकि वहां पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। ओवरऑल आउटलुक में अगर खाद तेल बाजारों को आज देखा जाए तो बाजारों में नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब बाजारों में गिरावट पर भी कहां रणनीति अपनानी है, उस अगर जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग सेशन में जुड़िए। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद तेल मार्केट के बारे में, आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन सरसों लोकल बाजारों में। आज लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, क्या रेट चल रहे हैं, क्या कारोबार चल रहा है, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, विस्तार से आपको खबरों में आगे बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन के मार्केट में आज आपको सुधार देखने को मिल सकता है, 20 से 25 रुपए तक की हल्की सी रिकवरी आज सोयाबीन के बाजारों में दर्ज करी गई है। हालांकि विदेशी मार्केट में तेजी के बारे में बात करते हैं तो तेजी बहुत ज्यादा विदेशी मार्केट में नहीं टिक पा रही है। शिकागो में सोयाबीन और सोया मिल के दामों में, कीमतों में तेजी के साथ कारोबार हुआ है। उत्पादक मंडियों में दाम बाजारों में स्थिर हैं। घरेलू मार्केट में, घरेलू बाजारों में मिला जुला आपको रुख देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा सोया तेल में गिरावट जो थी वो थम चुकी है। कांडा पर सोया डिगम में 5 रुपए के सुधार के साथ कारोबार हुआ, 820 रुपए तक इसका रेट बाजार में जा चुका है। अर्जेंटीना में श्रमिकों की हड़ताल जो थी वो खत्म हो गई है, जिससे आपूर्ति बढ़ सकती है और दबाव बनने लगा है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोयाबीन का जो दाम है वो 47 रुपए पर स्टेबल है। यहाँ से 25 से 50 रुपए तक की गिरावट आने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं रेट क्या चल रहे हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के। तो महाराष्ट्र में सोयाबीन प्लांट में जो रेट है, लातूर में 4750 है, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4700, टॉपम प्लांट में कीमतें 4700 चल रहे हैं। विजय प्लांट में रेट 4650, दुनिया में डिसान प्लांट का रेट 4675 रुपये चल रहा है। नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4640 रुपये चल रही हैं। सोया ऑयल महाराष्ट्र में डिसान प्लांट में रेट 930 है, धनराज प्लांट का रेट
920 चल रहा है। श्रीनिवास प्लान में कीमतें 910 है। एग्रो प्लांट का रेट 925 चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में के बारे में अगर बात करते हैं, प्रकाश प्लांट में कीमतें 4770 है। रुचि प्लांट में रेट 4660 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4700 है। धनुका प्लांट का रेट 4775 रुपए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइन में खानवा ऑयल प्लांट में कीमतें 912 है। प्रकाश प्लांट का रेट 910 है। अभी प्लांट का रेट 920 है। महेश प्लांट में आप 905 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो ओवरऑल सोयाबीन के जो रेट हैं इसमें आपको आज के दिन हल्का सा सुधार बाजारों में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। अब खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी मार्केट में, आज क्या कीमतें चल रही है, लोकल मिलों में घरेलू बाजार में आज क्या रेट चल रहे हैं, सरसों के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको खबरों में आगे इस चीज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और बाजारों में बाजार खुलने से पहले तेजी मंदी की आपको अगर पूरी रिपोर्ट चाहिए तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस सेशन में एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाजार खुलने से पहले बताया जाता है कैसे कारोबार देखा जाएगा। जैसे मई का महीना शुरू हो चुका है तो आप जान सकते हैं कि पूरे मई के महीने में कैसा कारोबार रहेगा या फिर आपको कैसा कारोबार करना चाहिए, तो आप अभी लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या रेट चल रहा है विदेशी बाजारों में, क्या कीमतें देखी जा रही हैं, कैसा कारोबार चल रहा है। तो विदेशी बाजारों में जो तेजी थी वो टिक नहीं पा रही है, रिकवरी नहीं टिक पा रही है। घरेलू मार्केट के लिए संकेत फिलहाल के लिए कमजोर नजर आ रहे हैं। ब्राजील में बाढ़ के कारण सीबीओटी सोयाबीन वायदे कीमतों में तेजी के साथ कामकाज देखा गया। कमजोर डॉलर ने भी सीबीओटी सोयाबीन को काफी अच्छा खासा समर्थन दिया है क्योंकि कमजोर डॉलर अमेरिकी सोयाबीन को अधिक आकर्षक बनाता है। अमेरिकी सोयाबीन का साप्ताहिक निर्यात 96% तक बढ़कर 14 लाख टन के आसपास का हुआ जो कि व्यापार अनुमान के मुताबिक ही रहा है। स्टोन एक्स एजेंसी ने ब्राजील में सोया फसल उत्पादन अनुमान 150.8 से बढ़ाकर 153 मिलियन टन के आसपास कर दिया है। सोया तेल वायदा दिन की बढ़त खत्म करके लगभग सपाट बंद हुआ है। सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के कारण अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी में भी गिरावट दर्ज करी गई है। अधिकांश फैक्टर कमजोर होने के कारण खाद्य तेल बाजार का सेंटिमेंट अभी भी कमजोर है। सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के चलते केएलसी में भी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। वहीं कमजोर फंडामेंटल का भी दबाव बना हुआ है। भारतीय बाजारों में खुदरा मांग सामान्य से कम है। खाद्य तेल का आयात भी अब बढ़ रहा है। व्यापारियों को अभी भी मौजूदा स्तरों पर फॉरवर्ड की खरीदारी के लिए इंतजार करना चाहिए और अगर देखा जाए तो खाद्य तेल अपने बॉटम स्तर पर पहुंच चुका है जहां लंबी अवधि के लिए स्टॉक खरीदना अधिक अनुकूल रह सकता है। अब इसके अलावा घरेलू बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू बाजार में खाद्य तेल मिला जुला रूप देखा जा रहा है जहां सोया तेल के दाम 3 रुपए तक तेज खुले हैं। वहीं पाम और सनफ्लावर में भी नरमी आई है। उधर मलेशिया में पाम तेल के जो दाम है वो जुलाई वायदे अनुबंध में 17 रिंगिट तक कमजोर होकर 3,829 रिंगिट रह गए हैं। शिकागो में भी सोया तेल में मंदा दर्ज किया गया है, इसीलिए इसके भाव में तेजी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारों का मानना यह है कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों में एक तरफा तेजी आने की उम्मीद फिलहाल के लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं क्या कारोबार चल रहा है घरेलू मार्केट में, लोकल मिलों में। तो वावर्ची ब्रांड में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1570 है। पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1560 चल रही हैं। एक लीटर पामलिन में कीमतें 93 है। सोया ऑयल का रेट 15 किलोग्राम में 1580 है। एक लीटर सोया ऑयल में कीमतें 95 रुपये चल रही हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर का 1640 एक लीटर। फॉर्च्यून में कीमतें 116 रुपये देखी जा रही हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में कीमतें 1 लीटर में 90 रुपये हैं। पामलिन में 1 लीटर का रेट 89 रुपये चल रहा है। बिनौला में 10 किलोग्राम में जो रेट है वो 970 रुपये है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 950 है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1460 देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं क्या कारोबार चल रहा है अब उत्तर प्रदेश में होलसेल्स में। तो राइस ब्रांड में रेट 82 रुपये है। सोया ऑयल का रेट 94 रुपये चल रहा है। सोया डीओ में कीमतें 92 रुपये हैं। मस्टर्ड में रेट उत्तर प्रदेश में 102 है। एक्सप्रा का रेट 100 रुपये चल रहा है और पामोलिन में आप 93 रुपए तक की कीमतें उत्तर प्रदेश में देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू बाजारों में आज के दिन आपको बाजारों में गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। खबरों में आगे बात करते हैं कि सरसों प्लांट में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, सरसों में आज क्या रेट चल रहा है, सरसों सीड सरसों ऑयल में आज क्या कीमतें चल रही हैं। तो सरसों में 10 रुपए तक की गिरावट आज प्लांटों में दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा तेजी सरसों के बाजारों में भी आपको फिलहाल देखने को नहीं मिल सकती है।
सरसों में जो आवक थी, जिसमें बाजारों में जो आवक घटती हुई नजर आई थी, उसमें दोबारा से बढ़त दर्ज करी गई है। लेकिन तेजी मंदी की जो संभावनाएं हैं वो जो देखा जाए, खास तौर से विदेशी मार्केट पर जो डिपेंड कर रही हैं, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी देखी नहीं गई है। रेट जो है सरसों सीड के जयपुर में वो 5375 है, जयपुर का रेट है ये, दिल्ली का रेट 5250 है, बरवाला का रेट 4950 देखा जा रहा है। ग्वालियर में आप कीमतें 5000 देखकर चल सकते हैं, हिसार का रेट 5000 है, गोयलकोटा में आज कीमतें 5000 देखी जा रही हैं सरसों सीड में। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में, एक्सप्लोर में, जयपुर में जो आज का रेट है वो 989 है, दिल्ली का रेट 990 है, भरतपुर में कीमतें 980 चल रही है, कच्ची घानी में जयपुर में रेट 999 है, कोटा का रेट 1000 है, भरतपुर में कीमतें 990 चल रही है। प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्लांटों में भी गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया। सलोनी शमशाबाद में 5790 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है, जिसमें 10 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्रेन में रेट 5800 है, जहां 10 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवर में 5690 रुपए तक का रेट है और सलोनी कोटा का रेट 5750 चल रहा है। और फिलहाल तेजी मंदी की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तेल मिलों में सीमित खरीद होने की वजह से घरेलू बाजार में कल के दिन गिरावट के बाद हल्की सी कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में हल्का सा सुधार कल के दिन देखा गया था, जिसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन आज जो बाजारों में कारोबार देखा जा रहा है और मार्केट में, उसको देखते हुए गिरावट जरूर दर्ज करी गई है। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मौसम अगर बना रहता है तो दैनिक आवक बराबर बनी रहने का अनुमान है और चालू रबी में सरसों का जो उत्पादन अनुमान है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है और घरेलू मार्केट में सरसों तेल में सीमित मांग बनी रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए काफ़ी हद तक तेजी मंदी आयातित खाद्य तेल के दाम पर ही निर्भर कर सकती है। तो ओवरऑल जो खाद्य तेल मार्केट में ट्रेंड है आज का, वो आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। लोकल मार्केट में गिरावट है, विदेशी बाजारों में गिरावट है, सोयाबीन के बाजार में आज हल्की रिकवरी दर्ज करी गई है, सरसों का बाजार जो है वो स्टेबल है। मार्केट में जरूरत के हिसाब से आप इन दिनों गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। विदेशी बाजारों को देखते हुए बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान घरेलू मार्केट में फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay safe. Thanks for watching. Bureau Report, News Market 24.